देखिए ऐसा है, श्रीमती गीता कोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी ने जो जवाब दिया है लगता है बड़ी कंजूसी से दिया है, क्योंकि हमने पिछले 3 वर्ष का पूछा है और उस हिसाब से अगर झारखंड की हम बात करें तो सिंहभूम में बहुत कम वेंडरों ने ये लोन लिया है, इसके क्या कारण है? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से करना चाहूंगी कि क्योंकि ये 2020 में ये योजना शुरू हुई, उस वक्त कोरोना काल था और वैसे में कई वेंडर जो लोन लिए उनका काम बंद हो गया या अतिक्रमण के नाम पर उन वेंडरों को हटा दिया गया, तो वो लोग अपना पैसा चुका नहीं पाए, ऋण चुका नहीं पाए, जिनके वजह से उनका सिविल खराब हो गया। तो क्या सरकार के पास वैसे वेंडरों की कोई सूची है, और अगर है तो उन वेंडरों के लिए सरकार क्या प्रावधान कर रही है ताकि वो पुनः लोन ले सके और अपना व्यापार पुनः शुरू कर सके? ऑनरेबल स्पीकर साहब, दी फिगर्स फॉर झारखंड सिंहभूम, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म दी ऑनरेबल मेंबर्स, 1270 मेल्स एंड 514 फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ लोन्स डिसबर्स्ड इज 1784, number of beneficiaries, the figures for total number of loans disbursed, all these figures I am very happy to share with her and I think there is a misunderstanding. Jo is yojana mein NPAs bante hain. NPAs kya hain? Ki aap pehla loan lete hain 10,000 rupay ka aur aapko maan lijiye ek saal mein usko lautana hai to ye collateral free hai. To aapko ek saal mein lauta dete hain to aapko interest bhi nahi lagta. तो आप दूसरा लोन जो है 20,000 का अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके आप 10,000 प्लस 20,000 प्लस 50,000 का तीसरा लोन 80,000 लेके, ये हमारे जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस थी हमारी सोसाइटी में महामारी के दौरान, ये माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं। और जो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्टडीज को देख करता, उनकी जो क्रेडिट स्पेंडिंग है एटसेट्रा, तो उसको आप देखें तो इट्स अ हाईली सक्सेसफुल स्कीम। दूसरा मैं इसीलिए सिविल स्कोर इसमें नहीं, कोई इसमें एनपीएस नहीं बने हैं और इसमें सिविल स्कोर इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं लोन में, ये कोलैटरल फ्री लोन्स हैं। मैं समझता हूं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई बैंक लोन वाले की इंडिविजुअल हेजिटेशन हो सकती है, पर जब भी हुआ हमें वित्त मंत्रालय से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला और मिला के और लोन ये बढ़ते जा रहे हैं। अगर ऐसी कोई हेजिटेशन इज मोर देन एट एन इंडिविजुअल लेवल, इट वुड हैव रिफ्लेक्टेड इन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। इसमें एक मिनट, माननीय मंत्री जी, आप सभी माननीय सांसदों से आग्रह करें एक परिपत्र दोबारा जारी करें और ये स्कीम बहुत अच्छी है, इससे गरीबों के जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है और सभी माननीय सांसद इसमें सक्रिय रूप से भाग लें और उसकी पूरी योजना की जब आप जानकारी लेंगे तो उसे परिपत्र में दें कि वहां की नगर निगम कारपोरेशन उसमें उसके अप्लाई करना पड़ता है, फिर प्रोसीजर होता है पूरा पूरा, हमने भी कराया है। तो सभी एमपी में करें और परिपत्र जारी कर और सभी माननीय सांसदों आग्रह करें ताकि हम लोगों के, गरीब लोगों के जीवन को परिवर्तन कर सकें। ओके, मैंने दे दिया आपका सारा जवाब, धन्यवाद।